हाय ऑल, सबको नमस्कार। मैं आपका चिरंजीवी। तो कोटा फैक्ट्री 3 सीज़न देखा अभी, मैं सभी नेटफ्लिक्स में बिंज वॉच किया और 15 एपिसोड देखा। और मतलब फ्राइडे इवनिंग को रिज्यूम किया और संडे आफ्टरनून को ख़त्म किया मैंने। और लिटरली इतना सुपर सीरीज है कि आई फेल्ट सो इमोशनल सीइंग द एंडिंग। सबसे चतुर स्टूडेंट और चतुर शिक्षक वैभव पांडे एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा IIT JEE एडवांस्ड फाइनल में। तो मतलब वो ऑब्वियसली डिज़र्व करेगा क्लियर करने के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली क्लियर नहीं कर पाएगा। उनके आसपास जो भी है ना, मतलब दोस्त सभी, वो लोग क्लियर कर देंगे। बाल मुकुंद, मीनू, नहीं तो मीनल, नहीं तो वर्तिका, सभी लोग क्लियर करेंगे। उदय शायद से नहीं क्लियर करेगा लास्ट IIT JEE एडवांस। तो लिटरली सैड एंडिंग है वैभव पांडे के लिए। और सब सब स्टूडेंट्स का फेवरेट टीचर जीतू भैया, तो उनका भी सैड एंडिंग दिया उन्होंने। मतलब जो भी जीतू भैया का स्पेशलिटी है कि अपार्ट फ्रॉम मतलब फिजिक्स छोड़ के भी, फिजिक्स तो पढ़ाएंगे, फिजिक्स पढ़ा के भी पर्सनल लाइफ जो भी स्टूडेंट का प्रॉब्लम होगा ना, तो उनका भी पूरा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जीतू भैया। तो सब सब सबका फेवरेट रहेंगे और सब सबसे पॉपुलर रहेंगे उधर कोटा में। तो उनका भी सैड एंडिंग हुआ और ड्यू टू वेरियस सर्कमस्टेंसेस उनको कोटा छोड़ के जाना पड़ेगा जयपुर में। तो लिटरली वो दोनों सैड एंडिंग है वेब आई मीन सीरीज में। और इस सीरीज में मतलब सच्चाई दिखाया, मतलब उन्होंने इतना अच्छा सच्चाई दिखाया कि कोटा मतलब एक आजकल एक मैकेनिकल फैक्ट्री बन गया है। और इस फैक्ट्री से मतलब जो भी है ना, इंटरनल कंपटीशन बहुत हो गया कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में। और मोर मतलब रैदर देन आप अच्छा पढ़ाई देना है बच्चों को, वो क्वालिटी एजुकेशन देना है ना। मतलब जो भी IIT JEE का जो भी फाउंडेशन है वो देना है, वो नहीं दे रहे। एक बुकलेट देंगे, एक डिफरेंट सिलेबस होगा और उधर से रिजल्ट ओरिएंटेड ही बन रहे सभी लोग। और जो भी मतलब पीछे छूट जाएंगे ना बच्चे, मतलब उतना कोई अच्छा नहीं है ना, तो उनको कोई भी फोकस नहीं करेगा। जो भी रैंकर्स है और टॉपर्स है उनके बारे में ही सोचेंगे और जो भी है रिजल्ट ओरिएंटेड में ही पढ़े हैं सभी लोग। तो ये थोड़ा मतलब उन्होंने अच्छा दिखाया। मतलब आज पहले कोटा अच्छा था, मतलब जो भी सच में IIT एस्पिरेंट्स है ना उनको सच में अच्छा था कोटा पर। लेकिन वक्त बदलते समय में भी कोटा एक फैक्ट्री बन गया और एक मोस्ट ऐसा मैकेनिकल बन गया। तो स्टूडेंट्स को मतलब कितना हार्डशिप्स फेस करना पड़ेगा ना कोटा में, मतलब आपको शॉक हो जाओगे देखकर। मतलब उन्होंने इतना अच्छा देखा है, मतलब फूड प्रॉब्लम रहेगा, थोड़ा टाइम मतलब टाइम भी फास्ट से चलता जाएगा और टाइम इतना जल्दी निकलेगा और आपको फूड का प्रॉब्लम होगा। और मतलब वो मतलब क्लासेस पूरा 4 बजे शुरू होगा ना इंस्टीट्यूट्स का पूरा, तो 4 बजे उठा देंगे आपको। आपको स्लीप का डिप्रिवेशन होगा और सब आपको ठीक से नींद नहीं आएगा, आपको फूड फूड का प्रॉब्लम होगा। तो मतलब उन्होंने इतना अच्छा दिखाया। और कचौरी और पोहा तो फेवरेट स्ट्रीट फूड है कोटा में। जो भी है आपको जब भी भूख लगेगा ना तो पेट भरने के लिए वो बहुत अच्छा फूड है। तो उन्होंने वो भी अच्छा दिखाया। और स्टूडेंट्स के हार्डशिप भी इतना अच्छा दिखाया कि कई को टाइम लगता है मतलब वो कोटा मॉल में जाने के लिए, कई को टाइम जल्दी सेट हो जाएंगे कई लोग। और जब उनको हेल्थ प्रॉब्लम्स में आएगा, वॉमिटिंग भी होगा और फीवर भी आएगा, तो तभी भी ये तबीयत का प्रॉब्लम्स भी उन्होंने अच्छा दिखाया पूरा। और मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट उन्होंने ये दिखाया कि जो भी आपका फ्रेंड्स है ना वो एक्चुअली फ्रेंड्स नहीं, वो आपका कॉम्पिटिटर्स है। क्योंकि मैं और आप कोई मेरे साथ कोई कम्पीट करे तो बंदा वो मेरा फ्रेंड नहीं है, क्योंकि टेम्प्रवरी बेस में फ्रेंड है वो। 2 साल के बाद अगर मेरा हो गया और उसका नहीं हुआ, नहीं तो उसका हो गया मेरा नहीं होता IIT में, फ्रेंडशिप नहीं रहेगा ना। तो क्योंकि उसका लाइफ उसका है और मेरा लाइफ मेरा है, तो ये 2 ईयर्स में जो भी है ना तो उतना ही फ्रेंडशिप है, बट एक्चुअली इज योर कॉम्पिटिटर। तो उन्होंने वो पॉइंट अच्छा दिखाया। और वो होने के बाद मतलब जो भी फेक डिस्ट्रैक्शन आएगा ना, मतलब फेक रिलेशनशिप्स जो जो मतलब 11-12 के टाइम पे आएगा ना, तो वो मतलब इन्फैचुएशन है, अट्रैक्शन होंगे ना, तो वो रिलेशनशिप उन्होंने अच्छा दिखाया। वो भी विच कैन डिस्ट्रैक्ट योर IIT JEE गोल्स। और वो होने के बाद पबजी मतलब जो भी है ना, मतलब मॉल्स घूमना, पबजी खेलना उधर कोटा में, तो ये भी उन्होंने अच्छा दिखाया। तो इस लिटरली परफेक्ट सीरीज़। 15 एपिसोड मैंने बिंज वॉच करके देखा और मतलब
स्टार्टिंग से जब वैभव पांडे एंडर होगा ना सीजन वन एपिसोड वन से, लास्ट सीजन जब वो रोइंग है ना, मतलब तब से बहुत इमोशनल जर्नी है। और मतलब सभी कैरेक्टर्स, बाल मुकुंद मीनू का भी एक जर्नी है, वैभव का भी एक जर्नी है, जीतू भैया तो सबका फेवरेट है तो उनका भी एक जर्नी है, तो वर्तिका, मतलब सभी एक एक कैरेक्टर ना आपको याद हो जाएगा। तो एक दृश्य, एक पटकथा जैसा ना, तो ऐसा आपको याद हो जाएगा, एक दृश्य का वो रहेगा ना, तो लिटरली सुपर है। तो लिटरली मिस करूँगा कोटा फैमिली को मैं, मतलब वही वर्ल्ड में था 3 दिन में, मैं फ्राइडे सैटरडे संडे तो वही दुनिया में ही था। तो अभी थोड़ा बाहर आ रहा हूँ तो सैड, मतलब हार्श रियलिटी दिखाया, मतलब कोटा एक फैक्ट्री बन गया और आजकल सभी लोग रिजल्ट ओरिएंटेड में ही हो गया है। और जो भी स्टूडेंट, अगर मानिए कि मैं IIT JEE दिया एग्जाम्पल के लिए और मैं क्लियर नहीं हुआ, तो सभी लोग बोल देंगे कि अरे ये वेस्ट है, मतलब ये 1 ईयर वेस्ट कर दिया इसके टाइम पे। तो कोई उसका एफर्ट्स कोई आइडेंटिफाई नहीं करेगा, पेरेंट हो नहीं तो फ्रेंड्स हो नहीं तो रिलेटिव्स हो, कोई भी हो। तो एक ही रिक्वेस्ट है कि जो भी मतलब IIT JEE एस्पिरेंट्स है ना, तो नॉट ओनली IIT JEE, CA नहीं तो CA नहीं तो UPSC नहीं तो मेडिकल जो भी है ना, तो ऐसा टफ फील्ड्स में एटलीस्ट उनका बनना ना बनना वो मुश्किल है, बट एटलीस्ट वो लोग एफर्ट्स तो डाल रहे ना, तो वो मेहनत का तो आप देखिए, तो मतलब वो मेहनत तो रिकग्नाइज कीजिए उनका। तो यही मेरा रिक्वेस्ट है सबसे। तो मतलब सभी तो रिजल्ट सही नहीं होगा ना, मतलब किसी का होगा किसी का नहीं होगा, किसी का लक रहेगा किसी का लक नहीं रहेगा। मेन मेन सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि एग्ज़ाम डे के दिन आप कैसे परफॉर्म करेंगे, तो वो भी एक फैक्टर होगा ना। तो थ्रू आउट द स्टूडेंट अच्छा रहेगा थ्रू आउट द ईयर, एग्ज़ाम डे के दिन वो नहीं अच्छा नहीं कर पाएगा तो उसके एफर्ट्स तो वेस्ट नहीं ना, वो मतलब 2 साल साल भर के पूरा मेहनत किया वो स्टूडेंट ने, तो उसका एफर्ट्स वेस्ट नहीं होगा ना। अगर इनफैक्ट वो सेलेक्ट नहीं होने से आई, इनफैक्ट जेई एडवांस्ड आपको आने के लिए मेंस क्लियर करना पड़ेगा, तो इतना मेहनत तो होगा मतलब पूरा स्टूडेंट का। फर्स्ट ऑफ ऑल वो अटेम्प्ट ही ग्रेट है, एक स्टूडेंट IIT JEE के डायरेक्शन में जा रहे तो उसका अटेम्प्ट ही ग्रेट है, तो उसके लिए आपको मतलब एफर्ट्स को रिकग्नाइज करना पड़ेगा आपको। तो लिटरली सुपर है कोटा फैक्ट्री, तो ईच एंड एवरी हार्डशिप दे हैव शोन, नॉट ओनली स्टूडेंट्स का ही नहीं, छात्र का भी नहीं, लेकिन टीचर्स का भी उन्होंने हार्डशिप सिखाया है। मतलब इंस्टीट्यूट रन करना कैसा डिफिकल्ट है, जीतू भैया और एक इंस्टीट्यूट लगाएंगे ना, तो उनको कितना डिफिकल्ट है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स का टीचर्स को लाना, तो लिटरली सुपर है। तो ज़रूर देखिए नेटफ्लिक्स में, तो मेरा रेटिंग है 5/5, ब्रिलियंट है, इमोशंस है सभी सब कुछ है। तो एक IIT स्टूडेंट का जो पेन रहेगा ना वो सच में दिखाया उन्होंने, तो बढ़िया सीरीज है और ज़रूर देखिए। जीतू भैया और वैभव पांडे के लिए दुखी है लेकिन वही है एंडिंग, तो कुछ नहीं कर पाएंगे, तो ज़रूर देखिए। नेटफ्लिक्स में स्ट्रीम हो रहा है 3 सीज़न। मेरा चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।